हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के उन दिग्गज गेंदबाजों की जिसने अपनी शानदार गेंदबाजी से अपनी टीम का और अपने देश का नाम रोशन किए हैं और कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। लेकिन एक मैच में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा जिसे वे कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे, जब बल्लेबाजों ने उन गेंदबाजों की जमकर कुटाई किए थे। तो चलिए जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 2012 को 7.4 ओवरों में ही 96 रन लुटा दिए थे। इंडिया ने उस मैच में श्रीलंका के द्वारा दिए गए 321 रनों के टारगेट को 36.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया था। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2012 को 9 ओवर में 97 रन लुटा दिए थे और मात्र एक विकेट लिए थे। तीसरे नंबर पर है वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर श्रीलंकन बॉलर मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 99 रन लुटा दिए थे और एक भी विकेट नहीं मिला था। चौथे नंबर पर है वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर, जिन्होंने 2015 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 104 रन लुटा दिए थे, जिसमें दो मेडन ओवर भी डाले थे, मतलब 8 ओवर में ही 104 रन और मात्र एक विकेट मिला था। पाँचवें नंबर पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी है, जिन्होंने 2009 को इंडिया के खिलाफ 10 ओवर में 105 रन लुटा दिए थे और एक भी विकेट नहीं मिला था। छठे नंबर पर इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार है, जिन्होंने 2015 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में 106 रन लुटा दिए थे और मात्र एक विकेट मिला था। सातवें नंबर पर अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान है, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन लुटा दिए थे और एक भी विकेट नहीं मिला था। और आठवें नंबर पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज है, जिन्होंने 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 110 रन लुटा दिए थे और एक भी विकेट नहीं मिला था। वैसे तो मैं वहाब रियाज को दिग्गज गेंदबाज नहीं मानता हूँ, फिर भी इस लिस्ट में इसलिए शामिल किए हैं ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि हमारे गेंदबाज की भी इतनी जमकर कुटाई हुई थी।